أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة वक़ुल्ल तौलिन फिनार गर्स में शो फातहा के फ़दल और इस सूरत के नामों और इस सूरत के मक्की या मदनी होने के तल्ल से गुफ्तु हुई थी बल्कि इस सूरत की पहली आयत बसमीम की तफसीर पे भी गुफगू हो चुकी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और वो आयतें जो इसके बाद हैं उन पे गुफ्तु होगी आलमीन हमद का तस्करा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हर तरह की हमद अल्लाह ताला के लिए ख़ास है अल्लाह के साथ ख़ास है जो कि तमाम जहानों का पालने वाला है अलहमद के अलहमद पे जो अल है ये इसराक के लिए है यानी कि माना अब ये होगा अलहमद के तमाम तरह की हमद सारी की सारी हमद हमद किसे कहते हैं हमद का मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान के साथ किसी के कमालात बयान करना किसी की खूबियाँ बयान करना लेकिन हमद का माना सही मानों में हम तब समझ सकेंगे जब हमें ये मालूम होगा कि हमद और शुक्र के माबेन क्या फ़र्क है शुक्र का मतलब ये होता है कि आप उसकी तारीफ़ करें जिसने आप पे कोई इनाम किया है जिसने आपको कोई चीज़ दी है जिसने आपको कोई नेमत दी है अब आप उसकी तारीफ़ करेंगे उसकी आप तज़ीम करेंगे ज़ुबान के साथ या अपने अज़ा के साथ या दिल में उसकी मोहब्बत बसाएंगे और उसकी अज़मत को जगा देंगे तो इससे मालूम हुआ कि शुक्र का ताल्लुक़ ज़ुबान से है दिल से है और अपने आज़ाद से है इन तीनों में से किसी के ज़रिए भी आप शुक्र अदा करेंगे और शुक्र की तारीफ से ये भी पता चला कि शुक्र आप उसी का अदा करेंगे जिसने आपके साथ कोई ख़ैर की है आपको कोई इनाम दिया है आपको कोई नमत दी है जबकि हमद का ताल्लुक जुबान से है और हमद का मतलब यह है कि आप महमूद की जिसकी आप हमद करना चाह रहे हैं उसकी खूबियां बयान करें उसके औसाफ बयान करें उसके कमालात बयान करें हो सकता है वो खूबियां ऐसी हों जिनका फायदा आपको हुआ हो और यह भी मुमकिन है कि वो महमूद के जाती अवसाफ हों मिसाल के तौर पर अल्लाह रबुल्जत का जमील होना खूबसूरत होना यह अल्लाह रबुल्जत का जाती वस्फ़ है। जब आप अल्लाह तला का जमाल बयान करेंगे तो यह अल्लाह तला की हमद है शुक्र नहीं है जब आप ये बयान करेंगे कि अल्लाह रबुलयजत की सफात में से एक सिफत है हयात जिंदा होना अल्लाह इज़्ज़त की सिफात में से एक सिफत है सुनना और उसकी सिफात में से एक सिफत है देखना तो ये ऐसे औसाफ हैं कि जिन्हें आप बयान करेंगे तो इस बयान करने को हमद कहा जाएगा शुक्र नहीं कहा जाएगा अल्लाह इज़्ज़त के अलावा मखलूक में से किसी के बारे में आप कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा घुड़सवार है तो ये आप उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे बल्कि आप उसके अवसाफ बयान कर रहे हैं लेकिन अगर वो आपको हदिया दे तो आप उसकी सखावत की तारीफ करें इस वजह से कि उसने आपको हदिया दिया है तो ये क्या है ये शुक्र है तो हमद और शुक्र में ये फर्क जो है इसे जहन में रखना चाहिए और ये यहाँ पे बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कई मुफसरन ने यहाँ पे हमद की तफसीर ये की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शिक्र अदा करना बल्कि इस तफसीर को इमाम इमामुमफसन इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने भी इख्तियार किया है लेकिन सही बात यह है कि हम्द और शुक्र में फ़र्क है यही वजह है कि इमाम इबन कसर रहीम्ला जो अपनी तफसीर में इमाम तबरी से फ़ायदा उठाते हैं उनके अकवाल को नकल करते हैं उन्होंने इस मौका पर इमाम तबरी राहुल के कौल को नजरअंदाज कर दिया है उसे कबूल नहीं किया और वादे किया है कि हमद और शुक्र में फ़र्क है तो इसलिए अल्हदल्ला रबालमीन का मतलब ये होगा कि हम अल्लाह अल्ला इज़्ज़त के औसाफ बयान करते हैं वो अवसाफ भी जिन औसाफ का मखलूक से गहरा ताल्लुक है और वो अवसाफ भी जो अल्लाह के जाती औसाफ कहलाते हैं हमद और मद में भी फ़र्क होता है आप किसी पत्थर के बारे में कहते हैं कि बहुत प्यारा है बहुत कीमती है बहुत चमकता है तो ये मध नहीं है बल्कि ये हमद है क्योंकि पत्थर का खूबसूरत होना उसके अख्तियार में नहीं है उसका प्यारा होना उसके अख्तियार में नहीं है उसका कीमती होना उसके अख्तियार में नहीं है उसका चमकना ये उसके अख्तियार में नहीं है जबकि अल्लाह रबुल्जत के हम औसाफ बयान करते हैं जो अल्लाह के अख्तियार में है तो इसलिए मध और हमद में भी फर्क होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ला रबीन तमाम तरह की हमद अल्ला इज़्ज़त के लिए हर तरह की हमद अल्लाह इज़्ज़त के साथ खास है यानी कि हम अल्लाह इज़्ज़त के कमालात पे अल्लाह इज़्ज़त के अवसाफ पे अल्लाह इज़्ज़त की तारीफ बयान करते हैं तो मैंने गुजारश की थी कि अल जो है यह इससे के लिए है इसका मतलब ये है कि हर तारीफ हर मद, उसका हकदार कौन है अल्लाह रबुल्ज़त अगर कोई आदमी अल्लाह की हमद बयान नहीं करता अल्लाह की तारीफ बयान नहीं करता बल्कि अल्लाह की मखलूक में से किसी मखलूक की हमद बयान करता है उसकी तारीफ़ें बयान करता है तो ये भी दरअसल अल्लाह की हमद है क्योंकि उस मखलूक को ये खूबी देने वाला अल्लाह है उस मखलूक का खाल भी अल्लाह और उस मखलूक की उस खूबी का खालक भी अल्लाह इसलिए हम कहते हैं कि हर हमद करने वाला जब भी हमद बयान करता है वो दरअसल अल्लाह की हमद होती है हर तारीफ करने वाला किसी की खूबी जब भी बयान करता है वो दरअसल अल्लाह की खूबी बयान कर रहा है क्योंकि उस खूबी का खालक अल्लाह रबुल्ज़त है अब वो हमद करने वाला खुद अल्लाह हो अगर अल्लाह तला अपने उसाफ़ बयान करते हैं तो ये भी अल्लाह की हमद हुई अगर अल्लाह अच्छा के उसाफ़ फरिश्ते बयान करते हैं तो ये भी अल्लाह की हमद हुई अगर अल्लाह अच्छा के उसाफ अच्छा जिन बयान करते हैं तो ये भी अल्लाह की हमद हुई अगर इंसान बयान करते हैं तो ये भी अल्लाह की हमद हुई व इमिन शई इन असब हमदी अल्लाह तरमाती हैं कि कायनत की एक एक चीज़ अल्लाह की तस्वीर बयान कर रही है और अल्लाह की हमद बयान कर रही है तो अल अलहमदिल्लाखला के लिए है हर तरह की हमद अल्लाह ताला के लिए कोई भी हमद बयान करे वो अल्लाह की है और कहीं भी हमद बयान की जा रही हो वो अल्लाह के लिए है आसमानों में या ज़मीन में कहीं भी किसी की तारीफ़ हो रही है किसी के औसाफ बयान हो रहे हैं बयान करने वाला कोई भी हो वो दरअसल तारीफ़ है अल्लाह की वह दरअसल हमद है अल्लाह की ऐसे ही जमाना कोई भी हो दिन के टाइम कोई हमद बयान करे या शाम के टाइम बयान करे किसी भी महीने में कोई तारीफ करे कोई हमद बयान करे वो अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त के लिए है दुनिया में हो या आखिरत में हो लहुल हमद फिलऊला वाल आखिरा कि दुनिया में भी हर तरह की हमद अल्लाह ताला के लिए और आखरत में भी हर तरह की हमद अल्लाह तेजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त अपनी हमद को पसंद करते हैं इमाम बुखारी रिवायत करते हैं सही हदीस है कि नबी अलीलातम फरमाते हैं कि जिस कदर हमद और तारीफ अल्लाह ताला को महबूब है कायनात में से किसी और को महबूब नहीं है यही वजह है कि अल्लाह इज़्ज़त हमद बयान करने पर बहुत इनाम देते हैं उसको जो अल्लाह की हमद बयान कर रहा होता है और अल्लाह इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें सिखाया है तालीम दी है कि हम बार बार अल्लाह की हमद बयान करें हमसे कहा गया है कि जब हम नींद से बेदार हों तो क्या कहेंद्लादी अहना बदमा अमातना वे तमाम तरीफें उस अल्लाह तला के लिए जिसने सो जाने के बाद हमें दोबारा उठाया और जिसके पास हमने एक दिन हाजिर होना है कब्रों से उठकर जिसके पास जाना है हमें यह सिखाया गया है कि खाना खा के फारग हों तो क्या कहें अल्हमदी वरजनी ही मिन तमाम वमाम उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना दिया जिसने मुझे यह खाना खिलाया और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था इसमें मेरी कोई कुवत नहीं थी इसमें मेरी कोई कुदरत नहीं थी ये खाना देने वाला वही था खाना खाने की के, के मामले में भी मेरी उसने मदद की और बाद में भी वही मदद करेगा तो कई एक मकाम पे हमसे ये तकादा किया गया है हमें यह सिखाया गया है हमें यह तालीमात दी गई हैं कि हम अल्लाह की हमदोशना बयान करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हदल्लाहमदल्ला रबीन हर तरह की हमद अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अल्लाह ताला के उन असा पे भी जिन अवसाफ का ताल्लुक ब्राह राश हमसे है और अल्लाह के उन उ पर भी जिनका ब्राह राश हमसे ताल्लुक नहीं है अल्लाह रब्ल हकीम में सूरह बनी इसराइल में जिसको सूरह इसरा भी कहा जाता है उसकी आखिरी आयत है मुल्क वलमुल्लू تَكْبِيرًا तकबीरा ऐ नबी आसात असलाम आप कहें कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसकी कोई औलाद नहीं है जिसका बादशाह में कोई शरीक नहीं है और जिसका कोई ऐसा वली ऐसा दोस्त नहीं है जिसका वो मोहताज हो बल्कि दोस्त अल्लाह के मोहताज हैं सारे के सारे वली अल्लाह के मोहताज हैं गौर कीजिएगा यहां पे अल्लाह की हम दो शना बयान की गई है किन औसाफ पे अल्लाह की औलाद नहीं है अल्लाह तला का कोई शरीक नहीं है अल्लाह का कोई ऐसा वली नहीं है जिसका अल्लाह मोहताज हो यह अल्लाह के वो औसाफ हैं जिन औसाफ को बयान करना शुक्र नहीं है क्योंकि यह अल्लाह के वो औसाफ हैं जिनका बर हमसे कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह तला की खूबी है कि अल्लाह की औलाद नहीं है क्योंकि औलाद होना यह कमजोरी की अलामत है इंसान कमजोर है औलाद का मोहताज है जिंदगी में भी मरने के बाद भी ज़िंदगी में चाहता है मेरी औलाद हो मेरा तान करे काम काज में कारोबार में तजारत में घर बनाने में और जब किसी से लड़ाई हो तो मेरी औलाद मेरे पीछे खड़ी हो और मरने के बाद इंसान चाहता है कि मेरी औलाद हो ताकि मेरी जायदाद की वारस बने मेरे घर के वो वारस बने मेरे माल के वो वारस बने तो ये इंसान है जो औलाद का महताज है और इंसान मुकम्मल होता है जब उसके पास औलाद हो आप देख लें उन लोगों को जो औलाद की नियम से महरूम है वो कई मजालस में औलाद ना होने की वजह से परेशान बैठे होते हैं और अपने आप को हकीर जान रहे होते हैं जबकि अल्लाह रबुल इजत का मामला इसके बरक्स है अल्लाह की खूबियों में से खूबी यह है कि अल्लाह की औलाद नहीं है अल्लाह की खूबियों में से खूबी है कि अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है अल्लाह का कोई शरीक नहीं है अल्लाह की खूबियों में से ख़ूबी है कि अल्लाह का कोई ऐसा वली और दोस्त नहीं है जिसके अल्लाह महताज हों, सब के सब वली सब के सब नबी उसके महताज हैं तो कहने का मतलब यह है कि इस ऐत में अल्लाह की हमदोसना बयान की गई है उन औसाफ़ पर अल्लाह की उन खूबियों पर जिनका बर राश हमसे कोई तल्लक़ नहीं है और कभी इब्राहिम आलि ये कहते नजर आ रहे हैं किबर इस्माइल इसमायल इसहाक इन रबीसमीआ तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने बढ़ापे के आलम में इस्माइल इस्माइल और इसहाक दिए कौन कह रहे हैं इब्राहिम इस्लाम कह रहे हैं तो ये क्या है यहां पे हम अल्लाह का शुक्र भी है अल्लाह ने चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अमातलाम की शक्ल में दो खूबसूरत दो नेक दो अजीम बेटे दिए तो इब्राहिम अल्लाह की हम दो शनाब बयान कर रहे हैं अल्लाह के उन उफ पे जिनका इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फायदा हुआ अल्लाह के उन उसाफ पे जो अल्लाह की नियमत है अल्लाह के उन उफ पे जो अल्लाह का इनाम है अल्लाह के उन उफ पे जो अल्लाह की तरफ से इब्राहिम आल्लाम के लिए हदिया है तो ये दोनों क्या है? दोनों हैं? ये दोनों अल्लाह की हमद में शामिल हैं यानी कि अल्लाह के वो असाफ बयान करना जो अल्लाह के ज़ाती अवसाफ शुमार होते हैं और अल्लाह के वो अवसाफ बयान करना जिनको आप मुतदी कह सकते हैं जिनका ब्राह रास्त उस आदमी को फायदा होता है जो अल्लाह की हमद बयान कर रहा होता है तो अलहदुल्ला रबीआलमीन हर तरह की हमद किसके लिए अल्लाह तला के लिए है ला अल्लाह उससे पहले लाम है ये लाम कौन सा लाम है ये वो लाम है जो इस्तक का फायदा देता है यानी कि हर तरह की हम हर तरह की हम का हकदार कौन है अल्लाह है और ये वो लाम है जो अखसास का फ़ायदा देता है हर तरह की हम अल्लाह रबुल्जत के साथ खास है तो अलहद लाही और और लफज अल्लाह के बारे में पहले बता चुका हूं कि यह अल्लाह रब्बुल रबुल्जत का जतीी नाम है यह अल्लाह ताला का आलम है अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदल्ह रबीआलमीन तमाम तरीफें अल्लाह ताला के लिए क्यों क्योंकि वो अल्लाह है और अल्लाह वो है जिसकी इबादत की जाती है जो हर तरह की इबादत का हकदार है तो तमाम तरीफें अल्लाह की होनी चाहिए क्योंकि वह अल्लाह है और लफ्ज़ अल्लाह लाने के बाद मजीद अल्लाह औसाफ लाए गए अल्लाह की सिफात लाई गई तमाम तरीफ़ें अल्लाह ताला के लिए इसलिए कि रब्बुल ला रबालमीन है तमाम जहानों को पालने वाला है तमाम तरीफ़ें अल्लाह ताला के लिए क्यों क्योंकि वो रहमान है तमाम तरीफ़ेंल्ल ते क्यों क्योंकि वह रहीम है तमाम तरीफ़ें अल्लाह ताला के लिए क्यों क्योंकि वो मालिक योम है रोज़ जजा का मालिक है रबालमीन इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है रब अगरचे लफ्ज दूसरों के ऊपर भी इस्तेमाल होता है मखलूक के ऊपर भी इस्तेमाल होता है लेकिन मखलूक के ऊपर अल इतलाक इस्तेमाल नहीं होता मखलूक के ऊपर जब इस्तेमाल होगा तो वहां पर मुजाफिल जाएगा उसको कैद किया जाएगा उसकी तहदीद की जाएगी मिसाल के तौर पर कहा जाएगा कि जईद रब्बु हादी दार जैद इस घर का मालिक है ये, है. ये, ये नहीं कहा जाएगा कि जैद रब है यह कहा जाएगा इस घर का रब है कि इस घर का मालिक है यह कहा जाएगा कि फला आदमी रबू हादील अर्द फला आदमी इस जमीन का मालिक है यह नहीं कहा जाए तलाक नहीं कहा जाएगा कि रब है अल्लाह को बगैर इजाफत के कहा जाएगा अर रब अल्लाह एक, एक चीज का रब है कभी आप कहेंगे अल्लाह इस किताब का रब है अल्लाह इस जमीन का रब है अल्लाह इस आसमान का रब है अल्लाह तला तमाम नबियों का रब है और मुतलक तौर पे भी कहा जाएगा कि अर रब के अल्लाह हर चीज का रब है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि रब का माना क्या है रब के कई मानी हैं एक इसका माना यह है कि वो सरदार जिसकी इताद की जाए नंबर दो रब पालने वाला परवरदिगार जो किसी चीज को आगाज से लेकर कमाल तक पहुंचाने वाला हो रब के मानों में से एक माना यह भी है कि मुदब्बिर तमाम उमूर की तदबीर करने वाला तो अल्लाह इज़्ज़त हकीकी मानों में रब हैं और अल्लाह इज़्ज़त को जब रब कहा जाता है तो रब के लफज में ये सारे माने दाखिल होती हैं इंसान को जब आप रब कहते हैं तो मतलब होता है कि वह मालिक है किसी खास चीज का इतलाक नहीं लेकिन जब आप अल्लाह को रब कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि अल्लाह तला खालक है अल्लाह तला मालिक है अल्लाह तदब्बिर है अल्लाह तला वो सैयद और सरदार है जिसकी इता करना वाजिब है अल्लाह तला पालने वाला है अल्लाह इज्जत इंसान को पैदा से लेकर उसके बूढ़े होने तक पालता है उसे रिजक देता है हमारे कान काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तदबीर की वजह से हम गुफ्तु करते हैं कलाम करते हैं तो ये तदवीर किसकी तरफ से है अल्लाह इज़त की तरफ से है तरफ से हमारा मालिक कौन है अल्लाह है तो अल्हम्दुलिल्लाह अलहदुल्ल आलमीन तो अल्लाह इज़त तमाम जहानों का मालिक है खालक है मुदब्बर है इसलिए हर तरह की हमदो शना का हकदार भी वही है अलआलमीन ये लफज जमा है किसकी आलम उनकी आलम किसको कहते हैं जहान को यहां पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम कहो कि अल्लाह एक जहान का रब है बल्कि अल आलमीन तमाम जहानों का रब है तमाम जहानों का मालक है तमाम जहानों का खालक है तमाम जहानों का मुदब्बिर है तमाम जहानों को पालने वाला है तो जहान कितने हैं जहान बहुत <Ut> हैं। इंसानों का जहान फरिश्तों का जहान जिन्नों का जहान जमीनों का जहान आसमानों का जहान जानवरों का जहान परिंदों का जहान नबातात का जहान पहाड़ों का जहान दरख्तों का जहान और फिर इन चीजों में से हर चीज की तरफ आए तो उसके अंदर मजीद कई जहान हैं। आप जानवरों की मिसाल ले लें जानवरों का जहान है और जानवरों में गायों का जहान बकरियों का जहान दुम्बों का जहान हाथियों का जहान शेरों का जहान और फिर अगर आप शेरों में चले जाएं तो वहां आगे उनके अनुभव अकसाम हैं और हर किस्म का अलग जहान आप चिड़िया को ले लें चिड़िया का अपना जहान है और फिर चिड़िया कई तरह की होती हैं और हर किस्म उसका अलग जहान होगा यही सूरत हाल इंसानों की है कालों की दुनिया गोरों की दुनिया फिर रूसियों का अपना जहान अमरीकियों का अपना जहान इंडियंस का अपना जहान अफगानियों का अपना जहान ईरानियों का अपना जहान तुर्कियों का अपना जहान पाकिस्तानियों का अपना जहान और फिर पाकिस्तान में आ गए आप पंजाबियों का अपना अपना जहान बलोचियों का अपना जहान सिंधियों का अपना जहान पश्तूनों का अपना जहान यही सूरत हाल इंडिया में है तो रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जो तमाम जहानों का रब है आलम वो लफ्ज है जिसकी कोई ऐसी जमा नहीं होती जो इन्हीं अल्फाज से हो लेकिन यहां पर आलम की जमा लाई गई है मुज़क़्कर सालम और आम तौर पे ये जमा किन की होती है उकला के लिए तो चूँकि जहानों में इंसानों का जहान भी है जन्नों का जहान भी है फरिश्तों का जहान भी है और ये सब वो हैं जो अकल वाले हैं तो इसलिए इनको गलबा देते हुए जमा वो लाई गई है जो मुज़क़्कर सालम वाली जमा है अलहमदल रबालमीन अर्रहरिम तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला तमाम जहानों का रब है उसके बाद अल्लाह अल्लाह का वसफ़ क्या है अल्लाह की सिफत क्या है अर्रहरिम कि अल्लाह रहमतों वाला है रहमान रहीम ये दोनों मुबावे के लफ्ज हैं बहुत ज़्यादा रहमत वाला बहुत ज़्यादा मेहरबान नहत रहम करने वाला ये दोनों इसम कुरान करीम में कसरत से आए हैं और रहमान अल्लाह का वो इसम है जो अल्लाह के आलम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कसरत इस्तेमाल की वजह से ये अल्लाह के आलम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर अल परवा के रहमान अर्श पे मुस्तवी हुआ यहां पे रहमान सिफत के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि आलम के तौर पे इस्तेमाल हुआ अल्लाह के जारी नाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ऐसे ही और रहमानलम कुरान रहमान ने कुरान सिखाया यहां पे रहमान अल्लाह के जती नाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ आलम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है अगरचि अल्लाह तला के जाति नाम भी ऐसे मानी रखते हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि अल्लाह के जतीी नाम जामत किस्म के नहीं है बल्कि उनमें भी अल्लाह के औसाफ होते हैं तो रहमान आलम के तौर पर भी इस्तेमाल हो तो वह आलम भी है और साथ बता रहा है कि अल्लाह इज्जत रहम करने वाले हैं अल्लाह का ये वसब बयान हो रहा है तो अल्लाह इज़्ज़त की सिफात में से एक सिफत क्या है रहमत ये Allah की वो सिफत है जो हमें कहाँ से मिली अल्लाह के नाम रहमान से अल्लाह के नाम रहीम से बल्कि ये अल्लाह की वो सिफत है जो मुस्तकिल तौर पर भी बयान की गई है मिसाल के तौर पर अल्लाह तला फरमाते हैं वरब कल गफ़ू दुर्रहमा सुर काफ़ में अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला है नफरत करने वाला है रहमत वाला है और सुर नाम में अल्लाह तहते हैं वब्बु कल गनी रहमा तुम्हारा रब बे है रहमतें करने वाला है तो हम अल्लाह रबुल्जत के नामों रहमान और रहीम को भी मानते हैं और इन नामों से अल्लाह की सिफत रहमत को भी मानते हैं और इस सिफत के आसार को भी मानते हैं अल्लाह रहमत करता है फिर क्या होता है जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो अल्लाह ताला उस पर अपना इनाम करता है अल्लाह उसे अपनी नेमतें देता है फंद आसारी रहमतिया देखो अल्लाह इज़्ज़त के रहमत के आसार की तरफ कि अल्लाह ताला कैसे जमीन को बंजर हो जाने के बाद मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है सरसब्दो शादाब करता है तो यहां पे अल्लाह रबुल इज्जत ने अपनी सिफत रहमत का भी जिक्र किया है और उस सिफत के आसार का तस्करा भी किया है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नामों को भी मानते हैं और उन्हें उनकी हकीकत पे मामूल करते हैं जहर पे मामूल करते हैं उनकी कोई तावील नहीं करते और अल्लाह ताला की सिफात को भी मानते हैं सिफात के आसार को भी मानते हैं जबकि हमारे मुकाबले में कुछ वो लोग हैं जो अल्लाह की सिफात का सिरे से इनकार करते हैं वो कहेंगे अल्लाह रहमान है रहमत के बगैर अल्लाह रहीम है रहमत के बगैर तो ये लोग तातील का इरतका करते हैं तातील का मतलब क्या कि लफज मान लिया माना ना माना रहमान लफज मान लिया कि अल्लाह रहमान है और जब हमने ये कहा कि अल्लाह रहमतें करने वाला कहेंगे नहीं 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 ये नहीं कहना तो अल्लाह तो की इस सिफत का इनकार करेंगे वादे तौर पर जबकि कुरान पाक साफ साफ कह रहा है कि वरबू कल गी की उदुर रहम वरबु कल गफूर उदुर कि अल्लाह रहमत वाला है और कुछ वो लोग हैं जो अल्लाह तला के नामों को भी मान लेती हैं सिफत रहमत को भी मान लेते हैं लेकिन सिफत रहमत का माना नहीं मानते वहां पर तावील करते हैं तो वो तहरीफ के मरतकब होते हैं वो क्या कहेंगे वो कहेंगे अल्लाह की रहमत से मुराद हकीकी रहमत नहीं है कौन सी रहमत है मजादी रहमत है। क्या मतलब भी क्या कहना चाहते हैं आप वो कहेंगे कि हम ये कहना चाहते हैं कि रहमत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला बंदों पे इनाम करता है अल्लाह ताला उन्हें अदर सवाब देता है अल्लाह रबुल्जत अदर ववाब का इरादा करता है ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की तमाम सिफात का इनकार करते हैं सवाए सात सिफात के अल्लाह की सात सिफात मानते हैं वो भी कुरान की वजह से नहीं मानते अफसोस का मकाम है हदीस की वजह से नहीं मानते वो भी अपनी अकल की वजह से कहते हैं ये अल्लाह की सात सिफात वो हैं जिनका इलम हमें अकल के जरिए हुआ आप देखिए इन लोगों की जुरद की तरफ इन लोगों की जसालत की तरफ ऐसे लोगों पर अफसोस होता है जो किताबों सुन्नत की वजह से अल्लाह के उफ नहीं मानते जो किताबों सुन्नत की वजह से अल्लाह के नाम नहीं मानते जो किताबों सुन्नत की वजह से अल्लाह की सिफात नहीं मानते अपनी अकल की वजह से मानते हैं जिस चीज को उनकी अकल ने मान लिया उसे कबूल कर लिया जिस चीज को उनकी अकल ने ना माना उसका इनकार कर दिया कौन सी सात सिफात हैं जिन्हें वो मानते हैं उनमें से एक अल्लाह की सिफत हयात है कहते हैं कि अकल ये तकादा करती है कि सारी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला खुद जिंदा होगा इसलिए अल्लाह ताला के लिए हयात हम मानते हैं कहते हैं अकल ये तकादा करती है कि लोगों को जिंदगी बख्शने वाला लोगों को पैदा करने वाला उसके पास इलम होगा जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को जिंदा करता है और उन्हें मौत देता है उन्हें रिजक देता है तो इसलिए अल्लाह की हयात भी मान ली अल्लाह का इलम भी मान लिया फिर कहते हैं हम अल्लाह की कुदरत भी मानते हैं वो क्यों जी? क्योंकि कुदरत के बगैर इंसानों को जिंदा करना उन्हें मौत देना उन्हें रिजक देना ये सिस्टम चलाना ये मुमकिन नहीं है फिर कहते हैं हम इरादे को भी मानते हैं अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है इरादा इरादे का कैसे पता चला कहते हैं कि किसी को कद लंबा देना किसी को छोटा का देना यह इरादे के बगैर मुमकन नहीं है किसी को जमाल देना खूबसूरती देना कि किसी को खूबसूरती ना देना यह इरादे के बगैर मुमकिन नहीं है किसी को औलाद देना किसी को ना देना यह इरादे के बगैर मुमकिन नहीं है तो इससे पता चला कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफत इरादा भी है ये चार सिफात मानने के बाद कहते हैं कि जब अल्लाह के लिए ये चार सिफात साबित हो गई तो अब हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जिसके पास ये चार सिफात हैं जो इन चार सिफात का हामिल है वो सुनने वाला भी होगा वो देखने वाला भी होगा वो सुनने वाला भी होगा देखने वाला भी होगा कलाम करने वाला भी होगा तो ये सात सिफात मानते हैं लेकिन किस बुनियाद पे अकल की बुनियाद चूंकि हमारा ये मौजू नहीं है इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता वरना उनसे यह सवाल किया जा सकता है भाई किसकी अकल को तुमने मैं बनाया है तुम्हारी अकल यह कहती है कि अल्लाह ताला के लिए सात सिफात हैं बाकी नहीं है हमारी अकल यह कहती है कि हर वो सिफत जो अल्लाह ने कुरान में बताई है हदीस में बताई है वो अल्लाह ताला के लिए साबित करनी चाहिए और अम्बिया के नाम आ और हाबा के नाम लिदव अजमीन जो सबसे बढ़कर अकल वाले थे और जिनकी अकल अकल सलीम थी वो बरूनी अफकार से आलूदा नहीं थी वो मंतक और फलसफे के जीरे असर नहीं थी उन्होंने अल्लाह के सभी नामों को तस्लीम किया है जो कुरानो हदीस में आए हैं अल्लाह की तमाम सिफात को मानना है जो कुरानो हदीस में आई है इसलिए हम भी अलहमद अल्लाह के उन तमाम नामों को मानते हैं जो कुरान हदीस में आए हैं और उन तमाम सिफात को मानते हैं जो कुरान हदीस से साबित होती हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या है रहमत और इसको उसकी हकीकत पर ममूल करते हैं इसको उसके जाहिर पे ममूल करते हैं हम ना तावीर का इरतक करते हैं न तहरीफ का इरतक करते हैं ना तातील का इरतक करते हैं और ना ही हम तस्वीर में वाक़ होते हैं हम ये नहीं कहते अल्लाह की सिफत रहमत मखलूक की तरह है जैसे माँ अपने बच्चे पे रहम करती है अल्लाह ऐसे ही रहम करता है नहीं हम कहते हैं अल्लाह इज़्ज़त की रहमत वैसे है जैसे अल्लाह के शान शान है माँ की रहमत वैसे है जैसे माँ के शयान शान है जैसे माँ कमजोर है जैसे माँ में कई अयूब है जैसे माँ में कई कमजोरियाँ हैं ऐसे ही उसकी रहमत में कई कमजोरियाँ हैं कई अयूब हैं और अल्लाह तला जैसे खुद कामल व मुकम्मल है ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत रहमत भी कामलो मुकम्मल है हर तरह के ऐब से पाक है जैसे अल्लाह तला के बारे में हम कहते हैं सुबहान कि अल्लाह किल्ला हर ऐब से पाक है हर कमज़ोरी से पाक है हर नख़ से पाक है ऐसे ही अल्लाह की शफत रहमत हर ऐब से हर कमज़ोरी से हर नख़् से पाक है अल्लाह की सफ रहमत वैसे है जैसे अल्लाह के शान शान है हम उसको मखलूक की रहमत के साथ तशबीह नहीं देते और ना हम उसकी कोई कैफियत बयान करते हैं तो रहीम, अल्लाह ताला रहमान भी है रहीम भी है और मैंने गुज़ारिश की थी बसमिल्लर रहीम की तफसीर करते हुए कि रहमान रहीम ये अल्लाह के दो नाम दोनों से एक ही सिफत का पता चल रहा है फिर अल्लाह ये दो नाम क्यों लेकर आए इस बारे में कम के कई एक अखवाल हैं जिन अकवाल के ज़रिए वो सबत करते हैं वाजे करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है मिसाल के तौर पर एक कौल यह है कि रहमान वो है जिसकी रहमत मुसलमानों के लिए भी है काफरों के लिए भी है और रहीम वो है जिसकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए है मोमिनों के लिए है रहमान और रहीम के माबेन एक फर्क यह भी बयान किया जाता है रहमान वो है जिसकी सिफत रहमत जाती है और रहीम वो है जिसकी रहमत लोगों तक पहुंचती है मखलूक तक पहुंचती है औरों तक पहुंचती है और एक फर्क यह भी है कि रहमान मुबालगे का सीगा है और फालान के वजन पे है फालान का वजन ये वसत के माने पे दलाल करता है मिसाल के तौर पे गजबान जो गुस्से से भरा हुआ हो तो रहमान जिसकी रहमत वसी हो जो रहमत से भरा हुआ हो और रहीम फाइल के वजन पे है और फाइल का वजन ये सबूत के माने के लिए आता है लुजूम के माने के लिए आता है हमेशकी के माने के लिए आता है दवाम के माने के लिए आता है तो फिर इससे यह पता चला कि रहीम रहीम है जिसकी रहमत हमेशा हमेशा के लिए है जिसकी इस ये सिफत मुनकते नहीं होगी तो रहमान रहीम के मा कई एक फ़र्क बयान किए गए हैं अल्लाह इज्जत उसके बाद फरमाते हैं मा लाल के, के कहने वाले को यह भी कहना चाहिए अल्लाह की हमद बयान करने वाले को ये भी कहना चाहिए कि की यौमद्दीन कि अल्लाह ताला रोजे जजा के मालिक हैं यहाँ पे दो किराते हैं एक किरात है माल की योद्दीन अल्लाह रोजे जजा के मालिक हैं दूसरी किरात है मालिकी योद्दीन अलिफ के बगैर यानी कि अल्लाह ताला रोजे जजा के बादशाह हैं और दोनों बड़ह हैं दोनों की रात नबी सल्हम से सबत हैं दोनों मुतवा हैं और दोनों के माने अपनी जगह पे ठीक हैं अल्लाह रोजे जजा के मालिक भी हैं अल्लाह रोजे जजा के बादशाह भी हैं यहां पे सवाल पैदा होगा कि मालिकी योमद्दीन ये क्यों कहा गया कि अल्लाह ताला रोजे जजा के मालक हैं क्या अल्लाह ताला दुनिया में मालिक नहीं है तो जवाब यह है कि अल्लाह ताला यहां पे भी मालक हैं वहां पे भी मालक होंगे लेकिन ऐत में खसूसी तौर पे रोजे जदा का तस्करा इसलिए हुआ कि वहां पे अल्लाह का मालक होना अल्लाह का बादशाह होना हर एक के लिए वादे हो जाएगा यहां पे कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मालक नहीं मानते जो अल्लाह के वजूद के मुनकर हैं और यहां पर कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रब कहते रहे रबुक मुला फिर ने नारा लगा दिया था <divorles> यहां पे कई ऐसे हैं जो अपने आप को बादशाह कहते हैं शहन कहते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मेरे अलावा कोई मालिक नहीं है लेकिन रोजे जदा वो दिन है जिस दिन हर कोई मान लेगा कि अल्लाह ताला मालिक है अल्लाह के अलावा कोई मालक नहीं है हर कोई इस बात का इकरार करेगा कि अल्लाह बादशाह है अल्लाह के अलावा कोई बादशाह नहीं अल्लाह फरमाते हैं कुरानी हकीम में सुरह इनफतार के आखिर में यो मिक वल अमरू यो कि उस दिन कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए किसी भी चीज का मालक नहीं होगा उसे कोई फायदा नहीं दे सकेगा किसी के भी इख्तियार में कुछ नहीं होगा वल अमरु योम और उस दिन मामला सारे का सारा अल्लाह के इख्तियार में होगा अल्लाह की मलकियत में होगा एक और मुकाम पर अल्लाह तलाते हैं लि अनिल मुल्कुल योम लावादिल कहार उस दिन आवाज आएगी आज किसका मुल्क है आज कौन मालक है Earth... <situación> कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं मालिक हूं कोई नहीं ये कह सकेगा कि मेरा वली मालिक है।, है कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरा पीर मुश्किल कुशा है कोई ये नहीं कह सकेगा कि जिसको दुनिया में मैं बादशाह मानता था वो मालिक है ना को बादशाह खुद कह सकेगा ना को नबी खुद कह सकेगा ना को फरिश्ता कह सकेगा ना को जिन कह सकेगा सब खामोश होंगे सब खामोश होंगे फिर अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी लादिल कहार अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं है अल्लाह के अलावा किसी का मुल्क नहीं है वहां पर यह सूरत हाल होगी कि जब लोग अंबिया एक नाम आलि इस्लाम के पास जाएंगे शफात का मुतालबा करने के लिए कि आप हमारी शफात करें मैदान हशर में खड़े खड़े हमारा हाल बुरा हो चुका सूरत हाल बर्दाश्त हो चुकी आप लोग अल्लाह के नबी थे अल्लाह के रसूल थे आपको अल्लाह ने कई एक एजाजा दिए थे आप आगे बढ़े हमारी शफात करें तो हर नबी ये कहेगा नफसी 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 इधबू इला गई मुझे तो अपनी फिक्र है मुझे तो अपनी टेंशन लगी हुई है जाओ किसी और के पास जाओ हर नबी दूसरी की दूसरे की तरफ भेज देगा आदम अली नूह नू की जानब नूस्लाम इब्राहिम स्ल्लाम की जानब कोई नबी मूसा इस्लाम की तरफ भेज देगा कोई ईसा इस्लाम की तरफ भेज देगा और हर नबी ये कह रहा होगा इन न रबी बल यूमन लम यकद मिथिला वल यकदब अबादहू मिथिला आज मेरा रब बड़े गुस्से में है इतने गुस्से में ना पहले कभी था ना आइंदा कभी होगा यानी कि मुझमें शफात करने की जरूरत नहीं है बिल आखिर इमामबिया जनाब मोहम्मद रसूल लोगों से यह वादा करेंगे कि मैं तुम्हारी शफात करता हूं लेकिन आप भी फौरी तौर पर शफात नहीं कर सकेंगे बल्कि अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में पड़ जाएंगे तवील तरीन सजदा करेंगे जो सात दिनों के बराबर होगा सात दिन अल्लाह रबुल्जत की हम दो तनाने पड़ेंगे अल्लाह की हम दो शनात पे मुश्तम वह वो, वो अल्फाज कहेंगे जो आपको दुनिया में नहीं सिखाएगा आप फरमाया करते तब मेरा रब मुझे सिखाएगा जाकर अल्लाह तला फरमाएंगे कि मोहम्मद सर उठाओ शफात करो तुम्हारी शफात मानी जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहने का मतलब यह है कि उस दिन अल्लाह रबुल्जत की बादशाह और अल्लाह तला तुम्म। का मालिक होना हर एक के लिए वाज हो जाएगा हर कोई मान लेगा अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं है इसलिए फरमारे मालिकी योद्दीन के अल्लाह तला रोजे जजा के मालक हैं अल्लाह तला रोजे जजा के मालक हैं इससे पहले क्या कहा गया था अर्रह नहीम के अल्लाह इज़्ज़त रहम करने वाले हैं मेहरबान हैं नहत मेहरबान हैं और बाद में क्या कहा गया कि अल्लाह रोजे जदा के मालक हैं इसे क्या पता चला पहले तरगीब थी अब तरहीब है पहले अल्लाह की रहमत में पैदा की जा रही थी और अब वार्निंग दी जा रही है कि अल्लाह रोदे जदा का मालिक है उस दिन हर एक को अमल का बदला दिया जाएगा उस अल्लाह से डर जाओ उस दिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा क्योंकि तनाव वही मालक होगा इसलिए कोई भी बात करने से पहले कोई भी काम करने से पहले सोच लो कि यह काम उस दिन जो जजा का दिन है मेरे लिए मुफीद होगा या मेरे लिए नुकसानदेह होगा तो ये ऐत वारण की रखती है और इस ऐसे ही भी पता चला कि रोजे जजा पे आखरत पे ईमान लाना जरूरी है और हम सब जानते हैं कि ईमान के कितने अरकान है छ अरकान में से एक रुकन क्या है आखरत पे ईमान लाना तो मालिक योम इसमें ईमान के अरकान में से एक रुकन का बयान है और अगर आप ईमानियात की तरफ अपनी गुफ्तु का रुख मोड़ दें तो अलहद ला रबीआलमीन से क्या साबित होगा अल ईमान बिल्ला के ईमान के छह अरकान में से पहला रुकन क्या अल्लाह पे ईमान लाना तो वो क्या है अलहमद ला रबीआलमीन और अगर आप तोद के अकसाम की तरफ आ जाए तो अल्हदल्ला क्या है ये तोहीद इबादत है तोहीदे उलूहत है अल्लाह तला को इबादत में एक कर देना हर इबादत अल्लाह तबार व ताला के लिए बजा लाना और ये अकीदा रखना कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी इबादत का हकदार हो और रबालमीन में कौन सी तोहिद होगी तोहहीदे रबूबियत के पैदा करने वाला रिजक देने वाला हमारे उमूर की तदबीर करने वाला और हमें पालने वाला वो कौन है वो अल्लाह ताला है और फिर के का में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ भी तोहिदे इबादत होगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अर्रहमान रहीम ये क्या है अल्लाह के नाम है और इनमें अल्लाह की सिफ़ात हैं तो ये अल्लाह की तोहिदोस माओ सिफ़ात हो जाएगी तोहहीद तो के तीन अकसाम हैं तीनों अकसाम यहां पर मजकूर हैं तोहीद इबादत भी तोहद सिफात भी और तहीद तो रबूबियत भी, भी। अलहमदिल्ला रबालमीन और रमानीम मालिकी उमदीन तो अल्लाह तला रोजे जजा के मालिक हैं अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो रोज़ जजा का मालिक हो और कम यहाँ पे दोनों किरातों का तस्करा करते हुए ये भी वादे करते हैं कि एक रात है मालिक और एक है मलिक इंसान कई दफ़ा किसी चीज़ का मालिक होता है लेकिन बादशाह नहीं होता बादशाह को और होता है तो उसकी उसका जो मुल्क होता है उसका मालिक होना जो होता है वो आरदी होता है या किसी और के देने से होता है लेकिन अल्लाह ताला क्या है मालक भी हैं बत खुद किसी ने मालक बनाया नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने हमें कई चीज़ों का मालिक बनाया है हम अपने घर के मालक हैं अल्लाह के मालक बना देने से हम कुछ पैसों के मालक हैं अल्लाह के मालक बना देने से और वो जाती तौर पे मालक है और ऐसे ही अल्लाह ताला बादशाह भी है यानी कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला मालिक हों और अल्लाह के ऊपर कोई बादशाह हो अल्लाह मालक भी हैं और अल्लाह बादशाह भी हैं मालिक की